यो यारों, तुम लोग तो जानते ही हो हमारे बारिश टाउन पे कितने सारे विलन अटैक करते रहते हैं। लेकिन टिप्सन ने कहा है कि रोपीरो मेरे पास एक प्लान है जिसके सहारे हम उस ईविल हल्को को कतई बारिश टाउन से बाहर भगा सकते हैं। पता नहीं अब वो क्या प्लान होने वाला है, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन टिप्सन हम लोगों को बता सकता है। तो चलो यार, हम सारे के सारे विलनों की पुंगी बजा देंगे, चलते हैं हम लोग फटाफट से टिप्सन के पास। अबे यार, एक तो इस एयरक्राफ्ट को क्या हो गया? अबे ठीक से चल रहा है यारों, ये तो बड़ी नदा आ गए। अबे थोड़ा सा तो बढ़ जा आगे यारों, इसकी तो कतई ऐसी की तैसी हो गई, इसको चला रोपी दो। अबे अंदर चल, हाँ ये तो खराब हो गया लगता है। अबे इसके इंजन की ऐसी की तैसी, लगता है मेरे को बाहर ही निकलना पड़ेगा। ओए नहीं, अबे मैं नीचे गिर गया। अबे अब क्यों आ रहा है एयरक्राफ्ट तू? अबे सेठ ये तो नीचे चला गया, मेरे को लेना पड़ेगा किसी भी हाल में ये एयरक्राफ्ट, ये बहुत महंगा है और कतई टिप्सन का है। टिप्सन मेरी पुंगी बजा देगा अगर मैं इसको लेके नहीं गया तो टिप्सन के पास। ओए रुक जाओ, बच गया। इसको फटाफट से पहले नंबर तो करते हैं हम लोग सीधा, और ये सीधा हो जा। अबे सीधा हो जा, हो गया। अबे रुक, मेरे ऊपर मत गिर पड़िए। ओए बच गया, इसको करते हैं अब सीधा। एक दो तीन, हो जा अब तो, हो जा प्लीज यार। हो गया यारो, फटाफट से इसके अंदर बैठो और जल्दी चलो टिप्सन के पास, क्योंकि टिप्सन मेरे को बहुत बार कॉल कर चुका है, ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात होगी। मेरे को तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है, टिप्सन उस ईविल हल्को को भगाएगा कैसे बारिश टाउन से, कैसे सारे सारे विलनों की पुंगी बजाएगा टिप्सन? जो भी हो देखा जाएगा। टिप्सन, एक तो ये बंदा फोन भी ना उठा रहा, पता ना कैसा लीचड़ इंसान है। अब यार एक काम करता हूँ, इस एयरक्राफ्ट को इधर ही रहने दो, ज्यादा देर तक अगर मेरे साथ रहा हूँ तो ठुक ठुक आ जाएगा कहीं पर, ये मस्त प्लान है। ओए टिप्सन, वो देखो यार, वो रहा टिप्सन का घर, मैं गया कतई काम से, जोरों की लग गई। ओए टिप्सन, है क्या तू घर के अंदर? वो देखो यार, वो रहा टिप्सन, पर एक मिनट, ये कौन है? इस स्नो मैन, तू इधर क्या कर रहा है? क्या अच्छा यारो, टिप्सन और स्नो मैन ने एक बहुत मस्त प्लान बनाया। उसने कहा है कि रोपीरो, अगर तू मेरे को स्नो मैन को बहुत सारी सुपर गन लाकर दे देगा, उस माफिया सिटी वॉर की सबसे खतरनाक चुड़ैल के पास जो सुपर गन है, अगर वो मैं इस स्नो मैन को लाकर दे दूँ तो कतई ये उस ईविल हल्क और सारे के सारे विलनों की पुंगी बजा देगा। हम लोगों को उस डेंजरस विलन से भी ज़्यादा पावरफुल गन लानी पड़ेगी, और वो सिर्फ उस माफिया सिटी वॉर की चुड़ैल के पास ही मिल सकती है, और माफिया सिटी वॉर तक जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जानता है, और वो इंसान भी नहीं है यार, बड़ा अजीब ही चीज़ है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, मैं उसके इलाके में चलता हूँ, उस कार के जो हम लोगों को लेके जाएगी माफिया सिटी वॉर में, तुम लोग कतई हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो कार कभी भी माफिया सिटी वॉर में तुम लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन आज तुम लोग देखोगे। चलो यार जल्दी से चलते हैं यारों, हम लोगों को किसी भी हाल में उस स्नोमैन के लिए माफिया सिटी वॉर की जो सबसे पावरफुल चुड़ैल है उसकी गने लेकर आनी ही पड़ेंगी, सुपर गन लेकर आनी ही पड़ेंगी, वरना ईविल हल्क कभी भी बाइस टाउन छोड़ के नहीं जाएगा यार। हम लोगों को सबसे पहले तो माफिया सिटी वॉर जाना होगा उस चुड़ैल के घर पे, और सिर्फ एक ही कार जो हम लोगों को लेके जा सकती है, और वो है ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर कार। यही कार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेके जा सकती है माफिया सिटी वॉर। ओए ग्रीन ट्रांसफॉर्मर रुक जा यार, मेरे को क्या तू, अबे रुक, मामा मार मत यार प्लीज यार, बस तू मेरे को किसी भी हाल में माफिया सिटी वॉर तक छोड़ दे। लगता है ये ऐसे ना मानेगी, मेरे को इसको दो थप्पड़ लगाने पड़ेंगे, निकल इधर से। गई, इसका काम तो बच गया, फटाफट से बैठ जाता हूँ, और ये देखो आखिरकार अपन लोग आ ही गए माफिया सिटी वॉर में। अब हम लोग फटाफट से चलते हैं उस घटिया सबसे पावरफुल चुड़ैल के पास, उस पावरफुल चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी, बस एक बार मेरे को उसके पास से सारी की सारी सुपर गने मिल जाए, मैं इसे ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को यहीं पर छोड़ देता हूँ। इस सूट को पहन के कतई सबसे पहले तो मिलिट्री बेस में चलते हैं, क्योंकि मिलिट्री बेस में हम लोगों को हेलीकॉप्टर मिलेगा, और हेलीकॉप्टर से कतई हम और भी ऊँचा उड़ सकते हैं, और दूर से ही देख सकते हैं कि कहाँ पर है वो घटिया चुड़ैल। एक बार बस मेरे को चुड़ैल मिल जाए, वो घटिया चुड़ैल मिल जाए, फिर तो मैं उसके पास से सारी की सारी उसकी सुपर गन ले ही लूँगा, और अगर एक बार मेरे को सुपर गन मिल गई, मैं दे दूँगा उसे स्नोमैन को, और स्नोमैन तो तुम लोग जानते ही हो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और गन मिलने के बाद तो वो और भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यार ये सोल्जर मेरे को गोली मार रहे हैं, इनकी भैंस की आँख निकलो इधर से। गए क्या? अबे ये भी रह गया इधर, इसको भी मार दो। खैर छोड़ो, ओ ये तो गया पक्का।
खैर छोड़ो यारो, हम लोगों को फटाफट से इधर से निकल लेना चाहिए। यारो उस स्नोमैन ने उस चुड़ैल का घर का रास्ता तो मेरे को बताया था, मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ यार। पता नहीं किधर बताया था, इधर नहीं था, मेरे ख्याल से पीछे ही निकल गया। हाँ वो देखो, उसने कहा था कि मिलिट्री बेस के बिल्कुल सीधे जाना है, मैं तो उल्टा मुड़ गया था। यहीं पर पहाड़ी दिखेगी, पहाड़ी के ऊपर है उस चुड़ैल का घर। वो देखो यार, वो रही पहाड़ी, नीचे पुल है, ऊपर पहाड़ी है, और पहाड़ी के ऊपर उस घटिया चुड़ैल का घर। आखिरकार मेरे को घर तो मिल गया उस चुड़ैल का। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस चुड़ैल की ऐसी कमते थी छोड़ूंगा ना मैं किसी को। चुड़ैल निकल जाए इधर से, घटिया चुड़ैल। यारो अब बस मेरे को ये डर है, और मैं इधर कैसे आ गया, मेरे को तो कुछ मालूम ही ना चला। अबे तू उड़ उड़ के मेरे को मार रहा है, रुक मैं भी उड़ जाता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी सुपर पावर है। मैं इस चुड़ैल की ऐसी की तैसी कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो इसकी सेना की ऐसी की तैसी करूंगा। ओए नहीं यार, फिर से नीचे गिर गया, जो रोके लग गई। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरे पास ये रोपीरो का सूट ना होता तो मैं सीधे ऊपर ही निकल जाता। यार यहाँ पर तो चारों ओर एक सुरक्षा कवच लग चुका है इस चुड़ैल का। अबे यार वाकई में ये चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये तो दूर से ही मार रही है। क्या करूँ, मुझे इसके अंदर जाना होगा, इस सुरक्षा कवच के अंदर, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मैं तो अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। अब तुम लोग ही बताओ यार, मैं करूँ तो करूँ क्या। सबसे पहले अगर हम लोगों को अंदर जाना तो इस चुड़ैल का कवच तोड़ना पड़ेगा, ये सुरक्षा कवच तोड़ना पड़ेगा। पर कैसा तोड़ूँ, मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ यारो, यहाँ पर इसके बहुत सारे सोल्जर हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको मारूँगा तो मैं इसको कभी भी मार नहीं पाऊँगा, इसलिए हम लोग है ना इसको एक बिल्कुल सुनसान जगह पे लेके चलते हैं, जहाँ पर इसके ये घटिया सोल्जर ना आ जाए। बस यहाँ से मैं नीचे उतर जाता हूँ और इस चुड़ैल को भी नीचे उतार देता हूँ। आ जा घटिया चुड़ैल। अब देखो यार, यहाँ पर इसका कोई भी सोल्जर नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसके साथ, इस घटिया चुड़ैल की तो ऐसे की तैसे सबका फोड़ दूंगा तेरे को। घटिया चुड़ैल तूने कतई मेरी ऐसी की तैसे कर दी। अबे ये क्या हुआ, ओ शिट, मैं भूल गया था, स्नोमैन ने कहा था कि रोपीरो ये तेरी शक्तियाँ अपने अंदर खींच सकती है, इसके पास इतनी सारी सुपर पावर है, निकल जा रोपीरो। इसने मेरी आधे से ज़्यादा पावर तो खींची नहीं अपने अंदर, मुझे जल्दी से इसको मारना होगा, अगर मैं इसको नहीं मार पाया तो मेरी सारी की सारी पावर खा जाएगी ये घटिया चुड़ैल। मेरे को इसके पास से गने लेनी है यार। अबे बस कर, अब मरेगी कब, रुको अब मेरे को सबसे पावरफुल गन का यूज करना पड़ेगा। हो यारो देखो, मैंने इसको कतई ख़त्म कर दिया और मैंने सारी की सारी सुपर गने भी ले ली यारो, और ये चुड़ैल का घर भी अपन का हुआ यार। अब कतई मैं यहाँ पर आराम से आकर रहूँगा, पर पहले नंबर तो हम लोगों को स्नोमैन को सुपर गने देनी पड़ेंगी इस घटिया चुड़ैल की। तो चलो यार हम लोग एक बार फिर से चलते हैं बायस टाउन। पर बायस टाउन का रास्ता तो तुम लोगों को याद है ना, मेरे को यहाँ पर फटाफट से कोई स्टेशन ढूंढना होगा, क्योंकि हम लोग ट्रेन के रास्ते से जल्दी पहुँच जाएंगे बायस टाउन। ये क्या है, चिप्स हैं क्या, यहाँ पर चिप्स कौन बेचता है। खैर छोड़ो, अपन को क्या करना, जल्दी से निकलते हैं। अब घटिया चिप्स हैं, चले जाए इधर से। यहाँ पर तुम लोगों को कोई स्टेशन दिखे तो जल्दी से जल्दी मेरे को बताइए, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी बायस टाउन पहुँचना है, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो हम लोगों ने चुड़ैल की ऐसी की तैसी कर दी है, और यहाँ पर ईविल हल्क का घर है, जो रियल घर है ना यहाँ पर ही बना है उस ईविल हल्क का। अगर ईविल हल्क आ गया तो ऐसे की तैसे कर देगा, वो तो तुम लोग भी जानते हो, इसलिए यहाँ से सीधा निकल लेते हैं अपन लोग बायस टाउन। पर मेरे को अभी तक यहाँ पर कुछ भी दिखा क्यों नहीं, यहाँ पर स्टेशन क्यों नहीं है, बायस टाउन के तारे स्टेशन कहाँ चलेगा यहाँ पे। अबे यार एक तो ट्रेन होगी यहाँ पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर ट्रेन ना चलती हो, कोई ना कोई ट्रेन तो होगी। इतने बड़े पंखे लगता है यारो, ये ईविल हल्कों को हवा देने के लिए ये पंखे बनाए गए हैं। तुम लोग खुद देखो यार, इतना बड़ा पंखा कौन लगाता है, लेकिन ये ईविल हल्क के लिए लगाए गए हैं, इतने इतने बड़े बड़े पंखे हैं। तुम लोग खुद सोचो यार, यहाँ पर वाकई में ईविल हल्क रहता है तभी तो ये पंखे लगाए हैं। खैर ये सब छोड़ो, अबे कितने सारे पोस्टर लगे हैं, बर्गर के भी पोस्टर लगे, लेकिन वो देखो यार आखिरकार अपन लोगों को स्टेशन मिल ही गए यार। अब फटाफट से स्टेशन के अंदर चलते हैं, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इस वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार अपन लोगों ने मिशन पूरा कर ही दिया, आखिरकार मैं बायस टाउन आ गया। टिप्सन, ओ टिप्सन बेरे इंसान, ये देख मैं आखिरकार न्यू अपडेट ले आया, मेरा मतलब उस स्नोमैन के लिए सुपर गने ले आया यार। मैं तेरे को दिखाता हूँ, एक मिनट रुक, मेरे पास कतई बहुत ही ज़्यादा सारी सुपर गने हैं, ये देख कितनी सारी सुपर गन है। लेकिन ये सेल्फी स्टिक तो मैं ही लूँगा, कतई इससे फ़ोटो खींचे करूँगा।
मस्त आया फोटो। चल सुनो मैन टिप्टन, मैं जा रहा हूँ कतई घर पे, क्योंकि मैंने 2 दिन से कतई दिमाग खराब हो चुका है मेरा, क्योंकि मैंने कतई तारी की तारी सुपर गने इकट्ठी करने में ही कतई 2 दिन लग गए मेरे को, इसलिए मैं कतई घर जाऊँगा और कतई सो जाऊँगा, सही है ना। और यार तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई ना तो बस तुम लाइक मारो फटाफट से, इसको लाइक मारो, बस मार दो यार, ऐसे ही मार दो, ठीक है ना, गुड डे यारो। और हाँ, तुम लोगों की स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ वीडियो नज़र आ रही होंगी, अगर आ रही है तो कुछ करना नहीं है, बस उनको टच करना है, अगर तुम उनको टच करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएंगी और वो वीडियो भी कतई मस्त है, हाँ मस्त है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तो गुड यारो, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।